हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नदीम और आज की वीडियो में हम घूमेंगे निजीगल बेटा। ये तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तुमकुर सिटी से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, दाबसपेट के पास। बेंगलोर से ये 50 किलोमीटर की दूरी पे है। यहां जाने के लिए आपको सबसे पहले NH 48 से होते हुए आपको दाबसपेट तक जाना है। वहाँ से 5 किलोमीटर और आगे है ये नेशनल हाईवे के लेफ्ट साइड में। आपको सामने की तरफ ये निजीगल बेटा दिख जाएगा। यहाँ से लेना है आपको लेफ्ट। लेफ्ट लेते ही जस्ट आपको एक रोड मिलेगा। राइट लेके आप सीधे आप निजीगल बेटा के बेस पे पहुँच जाएंगे। 24 आवर्स ओपन रहता है, लेकिन यहाँ घूमने के लिए आप या तो मॉर्निंग या तो इवनिंग में जाएं, सनराइज़ या सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे जाने के लिए आपको कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है, कोई पार्किंग चार्ज नहीं है। पार्किंग आप कहीं भी कर सकते हैं और पार्किंग जो है बहुत सेफ नहीं है यहाँ पे, तो ख्याल रहे। अगर आप टू व्हीलर से जाते हैं तो अच्छे से लॉक करके ही जाएं। यहाँ पे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, सनराइज और सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे देखने के लिए आपको फोर्ट वॉल, टेंपल्स, दरगाह भी है और बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, यही आप देख सकते हैं और घूम सकते हैं। बाइक पार करते ही आपको ट्रैकिंग स्टार्ट कर देनी है। रोड बना हुआ है लेकिन रोड की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, इसलिए बाइक आप ऊपर लेके नहीं जा सकते, तो आपको वॉक करके ही जाना पड़ेगा ऊपर। यहाँ जाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है आपको जुलाई टू फरवरी। यहाँ पे आपको पूरा घूमने के लिए 2 से 3 घंटे ही लगेंगे। ट्रैकिंग करके अगर आप टॉप तक जाना चाहते हैं तो 1 से 1.5 घंटा लग सकता है और आने में 40 मिनट्स ओनली। तो 2 से 3 घंटे में आप निजीगल बेटा पूरा घूम सकते हैं। अगर आप बेंगलोर से प्लान करते हैं तो हाफ डे ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। हाफ डे ट्रिप के लिए, आउटिंग के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह हो सकती है, इसलिए आपको एक बार ज़रूर जाके घूमना चाहिए। यहाँ पे आपको खाने पीने की कोई भी चीज़ें नहीं मिलेंगी, इसलिए बेहतर है कि आप अपने साथ पानी या खाने पीने का सामान लेके ही आएं।